नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा और रोजगार से संबंधित हम वीडियो लेकर के उपस्थित रहते हैं और संस्कृत से संबंधित और राजनीति विज्ञान से संबंधित हमने वीडियो शुरू किए हैं। और राजनीति विज्ञान में इससे पहले राजनीतिक शब्दावली का हमने वीडियो जारी किया था। आशा करता हूँ वह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके जो कमेंट हैं वो वांछनीय रहेंगे, अर्थात आप जो है कमेंट करते रहें, बताते रहें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आज किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, आरपीएससी के द्वारा कोई भी परीक्षा आयोजित हो, या चाहे कोई सी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें राजनीति विज्ञान के 3 से 5 प्रश्न आते हैं, जिसमें एक प्रश्न निश्चित है कि अनुच्छेदों से संबंधित जरूर आता है। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए हैं, जिस प्रकार से आरपीएससी में पिछले जो प्रश्न पत्र आए हैं और जो अनुच्छेदों का जो क्रम चेंज हुआ है, उसी क्रम के अनुसार हमने भी यहाँ पर अनुच्छेद लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। आशा करूँगा कि आप ये अनुच्छेद जो हैं एक बार ज़रूर इनको देखें और इनको याद करने का प्रयास करें। आपका ये वीडियो जो है आपको बहुत लाभान्वित करेगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए आज के इस विषय पर हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। और बीएसटीसी वालों के लिए भी ये एक रामबाण साबित होगा। सीटेट, आरटेट, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी के लिए ये बहुत समान रूप से उपयोगी वीडियो है। तो भारत के भारतीय जो संविधान है उसके प्रमुख अनुच्छेद, सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद एक भारत राज्यों का संघ है। तो दोस्तों, जैसा कि अनुच्छेद एक में ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, न कि भारत संघीय देश है, इसीलिए संघ शब्द का हमने कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है। केवल अनुच्छेद एक में ये इस्तेमाल हुआ है जो राज्यों का संघ कहता है। भारत एक संघीय देश न होकर के राज्यों का संघ होगा, ऐसा अनुच्छेद एक में कहा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 3, ये बहुत ही मोस्ट अनुच्छेद है, क्योंकि अनुच्छेद 2 में जिस प्रकार से वेतन और भत्ते हैं वो हैं, तो अनुच्छेद 3 में जो है संसद विधि के द्वारा कोई नया राज्य बना सकती है और पहले से मौजूद राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई नया राज्य भी बना सकती है, कोई राज्य का जो क्षेत्र है वो किसी दूसरे राज्य में मिला सकती है और वर्तमान नाम को परिवर्तन कर सकती है, तो ये संसद को अधिकार है। अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता का प्रावधान है कि भारतीय नागरिक कौन होंगे, बाहर से आने वाले व्यक्तियों की क्या नागरिकता रहेगी, ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं ये अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 12 से 35, इसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। तो हम एक अलग से वीडियो जारी करेंगे जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 को प्रत्येक अनुच्छेद सहित पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर परीक्षा में जो है लगभग मौलिक अधिकारों में से एक एक सवाल पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 12 से 35 हमें ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार रखे गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। अनुच्छेद 36 से 51, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। और राज्य की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 12 में है, लेकिन राज्य की जो नीति निदेशक तत्व, जहाँ हमने आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया है, वो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 है। इसको लोक कल्याणकारी राज्य के नाम से भी हम जानते हैं, चाहे राज्य के नीति निदेशक तत्व कह दो, चाहे लोक कल्याणकारी धारणा कह दो। अनुच्छेद 51 के में मौलिक कर्तव्य, ये बाद में जोड़े गए थे, जो मूल संविधान है उसमें नहीं थे। जब हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तब उसके साथ मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 52 से 53,
तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद 52 कहता है। और 73 तक जो है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संगठन और उसका कार्य क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 74 से 75 तो मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था है और उसके कर्तव्यों का उल्लेख वो 74 और 75 में किया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है, 80 में राज्यसभा का गठन है, 81 में लोकसभा का गठन है, 123 में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं और अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो अनुच्छेद जो 153 से 162 हैं उसमें राज्यपाल की नियुक्ति और उसके अधिकार हैं। अनुच्छेद 163-64 में राज्य के मंत्रिपरिषद और उसका जो सह मुख्यमंत्री है उसके कार्यों का उल्लेख किया गया है। 168 से 195 में राज्य की विधायिका का क्या काम होगा, उसका गठन कैसे होगा, ये सारी अनुच्छेद 168 से 195 में है। अनुच्छेद 216 में जो है उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अलग है, उच्चतम जो उच्चतम न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय उसका गठन अलग है और 216 में उच्च न्यायालय का गठन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 239 के अभी एक पहले भी मुद्दा उठा था कि राज्य दिल्ली को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो अनुच्छेद 239 के में दिल्ली के संबंध में विशेष जो उपबंध है उससे संबंधित बातें बताई गई हैं। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज, नगर पालिका का गठन और इसके अन्य उपबंध हैं। अनुच्छेद 248 में अविशिष्ट विधि संबंधी शक्तियाँ, अविशिष्ट विधि यानी कि कई बार क्या होता है कि संसद जो है तुरंत कोई कानून बनाने का निर्णय लेती है, तो जो अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं उससे संबंधित जो अनुच्छेद 248 में उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 266 भारत व राज्यों की संचित नीति, संचित नीति के बारे में हमने पहले भी बात की थी उस पारिभाषिक शब्दावली में, उससे संचित नीति से जो हमारे देश के जो संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं उनका वेतनमान होता है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधियाँ हैं, 280 में वित्त आयोग का, देखो ये 280 और 281 ये दोनों अलग अलग अनुच्छेद हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है कि उसका गठन होगा, एक वित्त आयोग होगा जिसका गठन किया जाएगा, तो अनुच्छेद 281 ये कहता है कि गठन के आयोग के लिए कौन कौन सी सिफारिशें की जाएगी, तो वो अनुच्छेद 281 में वर्णित है। वित्त आयोग कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है वित्त आयोग कैसी संस्था है, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, तो इस तरीके से वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, 315 राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, 320 संघ लोक सेवा आयोग के कार्य, 324 भारत के निर्वाचन आयोग का गठन आयोग होगा, भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जिसके चुनाव संपन्न करवाना, इस प्रकार के बहुत सारे कार्य होंगे। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण के लिए उपबंध किया गया है, तो ये ध्यान रखें लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिनिधित्व है उसका जो आरक्षण दिया जाना है उसका जो उपबंध है वो अनुच्छेद 330 में किया गया है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में जो आंग्ल भारतीयों का ये प्रतिनिधित्व है, आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है उससे संबंधित उपबंध 331 में किया गया है। इसके बाद में अनुच्छेद 343 से 351, तो 343 से 351 में संघ की भाषा मतलब संघ क्या है, जो हमने कनाडा के संविधान से संघ शब्द को लिया है ये क्या है, संघ की भाषा क्या होगी, प्रादेशिक भाषाएं क्या होगी, उच्चतम व उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी, उसके बारे में जो उपबंध किया गया है वो 343 से लगाकर 351 के बीच में किया गया है। अनुच्छेद 352 से 360 आपातकालीन उपबंध है, 352, 356, 360।
अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया भी बताई गई है और उसको कौन लोग करेंगे, क्या शक्ति रहेगी, किन किन लोगों में ये शक्ति बटी रहेगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल रह सकते हैं संविधान में संशोधन करने के लिए, तो उसके सारा जो वर्णन है वो 368 में किया गया है। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 में जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में अस्थाई उपबंद है। जैसा कि हम कई बार देखते भी हैं इस संबंध में कि अनुच्छेद जो धारा 370 है वो हटा दी जाएगी जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर तो वैसे भी भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन उस समय की तात्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी रही कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध की आवश्यकता पड़ी और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जम्मू कश्मीर को भारत संघ में शामिल करते हुए कुछ विशेष उपबंध हटा दिए। और हम यह आशा करते हैं कि जो सरकार इस संबंध में इस दिशा में काम करे और वह जो है एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो और भारत का हमेशा अभिन्न अंग बना रहे। इसी आशा के साथ मैं यह आशा करूँगा कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दधिमती संस्कृत एजुकेशन से आप जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।